सब्सक्राइब कीजिए मंसूरी फिटनेस सर्विस को और बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मंसूरी फिटनेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जावेद मंसूरी आपका दोस्त। दोस्तों बहुत दिन से मेरे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर मुझसे बोल रहे हैं कि हमारे एसएस 7 तो सेट कर ली है, बाकी हमारे बहुत सारे चैनल नहीं चल रहे हैं। तो उन सभी दोस्तों और भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ जिन्होंने होममेड डिश बनाई है फॉरफिट डिश और उनके सिग्नल नहीं आ रहे हैं, जू पर नहीं आ रहे हैं या किसी और चैनल पर नहीं आ रहे हैं, तो अपनी डिश को फाइबर डिश कैसे बना सकते हैं और उस पर सिग्नल कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी डिश को अच्छे सिग्नल बनाना चाहते हैं होममेड पे, तो आप उसे फाइबर डिश बना लीजिए, बड़ी आसानी से बन जाएगा और इस पर सिग्नल भी बढ़ जाएंगे। सिग्नल इतने हो जाएंगे आपके दिन में भी नहीं कटेंगे और सिग्नल अच्छे खासे मिलने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आप अपनी होममेड डिश को फाइबर डिश कैसे बना सकते हैं। तो जो मेरे चैनल नए हैं प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज की जो वीडियो है दोस्तों के होममेड फॉरफिट डिश को फाइबर डिश कैसे बनाए, बढ़िया आसान तरीके से आप इसे फॉरफिट डिश जो आपने बनाई है इसे फाइबर डिश बना सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके जो सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं वो ना बंद हो जाएंगे और बड़ी ही आसानी से आप आपकी डिश को फाइबर डिश बनाकर सिग्नल सेट कर सकते हैं और जो सैटेलाइट आपको कम मिल रही है उसका सिग्नल भी आपको मिलने लग जाएगा। तो आपको फाइबर डिश बनाने के लिए आपको होममेड डिश अगर आपकी कंप्लीट है तो आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और डिश भी फाइबर डिश पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या मटेरियल चाहिएगा मैं आपको बता दूं। दोस्तों आपको सबसे पहले एक इस तरह का फाइबर का जो कॉर्पेट आता है जो इतना मोटा होता है, ये इतना मोटा फाइबर का कॉर्पेट लाना पड़ेगा और उस कॉर्पेट को अपनी डिश के ऊपर इस तरह से बिछाना होगा। दोस्तों देख लीजिए ये मैंने बिछाया है, इस तरह से आपको डिश के ऊपर वो कॉर्पेट बिछाना है जिससे कि आपकी डिश पर फाइबर पूरी तरह से लग जाएगा और आपको ना तो कलर करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। तो आप अपनी होममेड डिश को फाइबर डिश बना सकते हैं, इससे आपको सभी तरह की सैटेलाइट ट्रैक करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी सैटेलाइट आराम से ट्रैक हो जाएगी। आप इस पे HSSAT 7 वगैरह यूटलसेट जितनी भी सैटेलाइट है Intelsat 20 वगैरह आप सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी मैंने इस पे HSSAT 7 सेट किया है MPG 2 बॉक्स पे और उसके साथ चैनल लिस्ट भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको टीवी की तरफ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस पे कौन कौन से चैनल हैं। टीवी थोड़ी वही वाली पुरानी वाली है, ख़राब है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ARYQ TV चल रहा है, इस पे सिग्नल बता देता हूँ आपको। देखो 27% सिग्नल आ रहा है और जूम म्यूजिक भी चल रहा है क्योंकि मेरे दोस्तों की रिक्वायरमेंट रहती है कि जूम म्यूजिक नहीं चलता उनका और दिक्कत आती है, तो उन दोस्तों को बता देता हूँ मैं। देखिए जूम म्यूजिक चल रहा है, 48 सिग्नल आ रहे हैं दोस्तों। देखिए 48 सिग्नल जूम म्यूजिक पे आ रहे हैं। उसके बाद सहारा के सभी चैनल चल रहे हैं, देखिए ये 41 सिग्नल आ रहा है। उसके बाद में ये सहारा 1 देख लीजिए, ये देखिए इसमें 41 सिग्नल आ रहा है। अब मैं आपको दूसरा चैनल भी दिखा देता हूँ, SpaceX 7 पे जो नए चैनल जुड़े हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि कौन कौन से चैनल इस पे जुड़े हैं। इसको अगर अपन होरिएंटल करके करेंगे तो ज़्यादा चैनल आएंगे। देखिए ये ग्लोबल TV पर मूवीज आ रही है कोई सी, इस पर LMB थोड़ी सी वर्टिकल करना पड़ेगी क्योंकि सिग्नल की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हवा चल रही है इसकी वजह से। आप देख सकते हैं ये भी, देखिए ये भी चल रहा है, इशक बारा ये भी चल रहा है। देखिए इस पर कुछ नए चैनल भी ऐड हुए हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपनी डिश को फाइबर डिश बना सकते हैं और आराम से सभी चैनल सेट कर सकते हैं। Muslim TV चल रहा है दोस्तों, देखिए इस पर सिग्नल दिखा देता हूँ आपको। देखिए 40 सिग्नल आ रहा है Muslim TV पे, और अगर MPG 2 बॉक्स पे 4 बॉक्स पे करेंगे तो ज़्यादा सिग्नल आएंगे। ये Lotus TV है, इस पर हॉलीवुड चैनल आते हैं, इस पर सिग्नल देख लीजिए 40% सिग्नल आ रहे हैं दोस्तों। देखिए अब इस पर मूवी आ रही है और एक ही चैनल भी चल रहा है, देखिए चाइनीज चैनल है, इस पर सिग्नल कम है तो ये भी चल रहा है। और अगर मैं MPEG 4 बॉक्स की बात करूँ तो उस पर ज़्यादा सिग्नल आएंगे। ये Demand TV भी चल रहा है देखिए। तो अगर आप भी अपनी डिश को इस पे 51 सिग्नल आ रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए। अगर आप भी अपनी डिश को फाइबर डिश बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए, इस तरह से बनेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।